हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। मैं आज आपको ऐसी अच्छी बातें सुनाऊंगा जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इस पर अमल कर सकें। शुक्रिया फ्रेंड्स, मैं आपको वो अच्छी बातें सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि शाम के एक शहर में एक आदमी रहा करता था। वो शख्स शादीशुदा था और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, पर पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि उसने कुछ ही अरसे में अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब ये बात लोगों को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए और उस शख्स से वजह पूछने के लिए उससे मिलने के लिए उसके पास गए कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो शख्स उन लोगों से कहने लगा कि वो तो अभी इद्दत में है, इसलिए वो अभी भी मेरी बीवी है, मुझे अभी भी उससे दोबारा रजू करने का हक हासिल है। अगर मैं उसकी सब खामियां आप सब लोगों को बता दूंगा तो उससे दोबारा कैसे मिल सकूंगा। लोगों ने ये बात सुनी और वहां से चले गए और उन्होंने उस औरत की इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार किया, पर उस शख्स ने दोबारा से उस औरत से रजू नहीं किया तो लोग दोबारा उस शख्स के पास आए। उस शख्स ने उन लोगों से मिलते ही अब के बार कहा कि अगर मैंने आपको उस औरत की बुरी आदतें बता दी तो इससे उस औरत की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जिससे उसकी कहीं और शादी ना हो पाएगी। बराए मेहरबानी आप सब लोग यहाँ से चले जाएं और इस औरत की बुराइयाँ जो मेरी बीवी हुआ करती थी उसकी बात भी ना करें। शुक्रिया। वो अब किसी और की बीवी बन चुकी है और मुझको भी यही चाहिए कि मैं किसी गैर औरत के मुतल्लिक अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज ना निकालूं। क्या आजकल के दौर में ऐसे लोग मिलते हैं क्या? बल्कि नहीं, ज़्यादातर लोग तो रिश्ता देखते ही बेहद गलतियां निकाल कर बता देते हैं कि ये रिश्ता हमें पसंद नहीं आया या फिर जादू करा देते हैं कि कहीं इस लड़की या लड़के की पसंद की जगह पर शादी ना हो जाए। इसलिए बराए मेहरबानी लड़की हो या हो लड़का, दोनों की वहाँ ही शादी करने की कोशिश करें जहाँ पर लोग उन्हें हमेशा अपनी इज्जत समझें, ना कि वक्त गुजारने का ज़रिया। आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। शुक्रिया।